सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड NMMSS का एडमिट कार्ड आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपना डाउनलोड करना चाहते हैं एडमिट कार्ड, तो इसके लिए आपको एक लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा। आप अपने फोन से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके घर में लैपटॉप है तो वहां से डाउनलोड कीजिएगा, नहीं है तो कोई कंप्यूटर दुकान चले जाइएगा, कंप्यूटर सेंटर, वहां से आप डाउनलोड ले लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, उसके बाद यहां पर टाइप करना है jack.gov.in। जैसे कि यहां पर मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। बस यहां पर एक मस्त सा सुंदर सा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट वाला को क्लिक करना है, इसको जेक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड गव, इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। फिर आपके सामने हमारा प्यारा सा झारखंड बोर्ड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये रहा हमारा झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, इसी में सब कुछ आता है, जितना भी जेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है सब यहीं पर आता है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप लोगों का साफ साफ दिख रहा है NMMS एग्जाम 2023 एडमिट कार्ड न्यू, अभी अभी शुरू हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहां पर देखिए लिखा रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड सबमिशन कार्ड फॉर NMMS एग्जामिनेशन 2022-23। क्लिक करना है इसको। फिर यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद नीचे अपना नाम डालिएगा, उसके बाद सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, यहां पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो यहां पर फाइनली हमने अपना जो एप्लीकेशन नंबर था उसे डाल रखा है, और यहाँ पर नाम मैंने डाल रखा है, और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इसको बस क्लिक कर देंगे, तुरंत यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है एडमिट कार्ड, ठीक है। बट यहाँ पर ये यह तो बस आपको दिख रहा है एडमिट कार्ड, नीचे यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड में क्या क्या है वो दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर फादर का नाम दिख जाएगा, स्कूल का भी नाम यहाँ पर दिख जाएगा आपको, उसके बाद नीचे एग्जाम कब है वो भी दिख जाएगा। देखिए 22/1/2023 संडे को एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको हर एक महीने आप लोगों को ₹1000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि साल में मिलता है, लेकिन साल में आपको 12000 मिलेगा, इस हिसाब से हर एक महीने ₹1000। ओके, एग्जाम टाइमिंग देखिए यहाँ पर 10 बजे सुबह से लेकर 1 बजे दोपहर तक। उसके बाद यहाँ पर फॉर विजुअलिटी चैलेंज्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 1 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब हैंडीकैप्ड हैं तो आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है ASTBS+2 जिला स्कूल रांची, ये सेंटर दिया गया है। और यहाँ पर नीचे इधर देखिए एडमिट सीरियल नंबर यहाँ पर है, ये सब है बेसिकली। ओके, तो यही है टोटल आप लोगों का एडमिट कार्ड। आई होप आप लोग, अच्छा मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइएगा नीचे डाउनलोड में, डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है साइड में। फिर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन में कर देंगे, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा हमारा एडमिट कार्ड। उसके बाद इसको आप जेरोक्स करवा लीजिएगा और फिर अपने साथ इसको लेकर जाना है। ओके, इसको साथ में लेकर जाना है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वैसे इंस्ट्रक्शन को मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ दिया है और व्यवस्था कर लीजिए आने जाने का। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का मैं इस चैनल पर वीडियो डालते रहता हूँ जेक बोर्ड से रिलेटेड, आप लोगों का जितना भी क्लासेस होता है सब अपलोड हो रहा है चैनल पर, और बाकी काफी सारा अपलोड हो भी चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर वे लोग भी NMMSS का फॉर्म भरे तो एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।